हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, जिसमें हमारा चैप्टर 9 इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है। और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे सेक्टोरल कंसर्न्स के बारे में। सेक्टोरल कंसर्न्स की बात करें, वैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, लेकिन दो ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको अभी के लिए बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। कौन से वो सेक्टर है? एक तो है स्टील इंडस्ट्री और दूसरी है एल्युमिनियम इंडस्ट्री। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स भी लिए हैं इन इंडस्ट्रीज़ को रिवाइव करने के लिए, आगे लाने के लिए, तो इनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टील इंडस्ट्री की। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो ग्लोबली हमारा जो इंडिया है वो स्टील प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे है। इंडिया इज़ द सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। फर्स्ट पे आ जाता है चाइना। अब देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडिया का नंबर कौन सा है स्टील प्रोडक्शन में? सेकंड है। कहने को तो हम सेकंड है, लेकिन और फर्स्ट और सेकंड में जो गैप है ना प्रोडक्शन में, बहुत बड़ा गैप है। जो चाइना की प्रोडक्शन है हमसे बहुत ज़्यादा है। चाइना की प्रोडक्शन, इंडिया में जो स्टील की प्रोडक्शन है वो चाइना के कंपैरेटिवली बहुत कम है, लेकिन हम आते तो सेकेंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर में है। अब देखो गैप कितना है। अगर हम ग्लोबली स्टील प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया का ग्लोबली स्टील प्रोडक्शन में शेयर कितना है? 6%। चाइना का कितना है? 53.8% शेयर है, राइट? तो अब इंडिया की प्रोडक्शन चाइना के कंपैरेटिवली बहुत कम है, ऑल दो हम सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर हैं, राइट? तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है आफ्टर चाइना एंड यूएसए। फर्स्ट कंज्यूमर कौन सा है लार्जेस्ट कंज्यूमर स्टील का? चाइना। सेकंड नंबर पे आता है यूएसए और थर्ड आता है इंडिया का नंबर। अब हुआ क्या? अब ग्लोबल स्लोडाउन आ गया, ग्लोबल स्लोडाउन के चलते हुए, और कुछ कंट्रीज ऐसी है जिन्होंने प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसीज को फॉलो किया है, जिसके चलते हुए ग्लोबली जो स्टील की डिमांड है ना वो एकदम से गिर गई। 2015 के बाद की अगर हम बात करें तो 2015 के बाद ग्लोबली जो स्टील की प्रोडक्शन है ना, सॉरी प्रोडक्शन नहीं, डिमांड जो है स्टील की एकदम से कम हो गई। तो जिसकी वजह से हमारा जो इंडिया है, इंडिया का जो स्टील सेक्टर है वो बहुत ही हार्डली हिट हुआ है। अब इससे हुआ क्या? इससे एक तो जो बाकी ग्लोबली जो बाकी कंट्रीज है वो क्या कर रही है, वो इंडियन मार्केट में स्टील के प्रोडक्ट्स डाल रही है। अब इंडिया में स्टील जो है इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, स्टील के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे एक तो हमारी स्टील इंपोर्ट्स जो है, स्टील के इंपोर्ट्स वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि हो क्या रहा है, हमारे इंडिया का जो स्टील है ना वो ग्लोबल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कम्पीट कर पा रहा? क्योंकि हमारे जो स्टील का रॉ मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ रही है, जिसकी वजह से हमारा जो स्टील है वो डिसएडवांटेज में आ जाता है ग्लोबल लेवल पे भी। अब देखो, अगर इंडियन गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी देना शुरू कर दे तो WTO का प्रेशर आ जाता है, तो इंडियन गवर्नमेंट सब्सिडी दे नहीं पा रही, तो उसके चलते हुए हमारे जो स्टील के प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ हमारा स्टील जो है वो ग्लोबल मार्केट में बहुत महंगा बिक रहा है, महंगा बिकेगा तो कॉम्पिटिटिव नहीं है। चाइना का स्टील हमारे कंपैरेटिवली बहुत सस्ता है ग्लोबल मार्केट में, तो इसीलिए हमारा जो स्टील है वो ग्लोबल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पा रहा, जिसके चलते हुए बाकी कंट्रीज जो है वो इसका फ़ायदा उठा रही है। कैसे फ़ायदा उठा रही है? वो इंडियन मार्केट में स्टील के प्रोडक्ट्स लेकर आ रही है, इंडिया में स्टील के प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा भेज रही है। उससे क्या हो रहा है, इंडिया में स्टील के इम्पोर्ट्स बढ़ रहे हैं और इंडिया की जो डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री है वो बहुत ही हार्डली हिट हो रही है, क्योंकि जो इंडिया की, इंडिया के अंदर बनी हुई स्टील है वो तो महंगी बिक रही है और जो बाहर से स्टील के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो सस्ते बिक रहे हैं, तो इंडिया की डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री उससे क्या है, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रही है। तो इसके लिए हमारी जो सरकार है उसने कुछ मेजर्स लिए हैं सो दैट कि हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको हम सस्टेनेबल बना सके और स्टील के इम्पोर्ट्स को कम कर सके। तो कौन से हमारी सरकार ने मेजर्स लिए हैं? सबसे पहले क्या किया हमारी सरकार ने, जो कस्टम ड्यूटी है वो बढ़ा के 5% कर दी है। कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है प्राइमरी आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स पे, राइट? कस्टम ड्यूटी बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, जो बाहर से स्टील के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनके दाम थोड़े बढ़ जाएंगे। अगर वो भी चीज़ें महंगी मिलेगी तो लोग क्या करेंगे, लोग डोमेस्टिक स्टील की तरफ जाएंगे, तो इसीलिए हमारी सरकार ने क्या किया, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी।
फिर सेकंड नंबर पे क्या किया, जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज है वो इंडस्ट्रियल ग्रेड स्टील पे लगा दी, जो कि चाइना, मलेशिया और साउथ कोरिया से स्टील के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उन पे हमारी सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी शुरू कर दी गई है। कुछ प्रोविजनल सेफगार्ड कस्टम ड्यूटी लगाई है 20% तक की, इसके अलावा एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है आयरन ओर पे वो 10% तक कम कर दी गई है, राइट। अब देखो ये जो कस्टम ड्यूटी है ना, कस्टम ड्यूटी भी एक लिमिट तक ही हमारी सरकार इंक्रीज कर सकती है, एक लिमिट से ज़्यादा कस्टम ड्यूटी भी इंक्रीज नहीं हो सकती, राइट। तो इससे इसकी वजह से क्या है, इसकी वजह से भी हमारी स्टील इंडस्ट्री हार्डली हिट हो रही है। तो हमारी स्टील इंडस्ट्री को अगर हमने कॉम्पिटिटिव बनाना है ग्लोबल लेवल पे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक तो अपने बोरिंग्स कम करनी पड़ेगी, दूसरी जो स्टील के रॉ मटेरियल की कॉस्ट है उसको भी कम करना होगा और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होगा। उससे क्या होगा, उससे हमारी जो स्टील इंडस्ट्री है वो ग्लोबल लेवल पर थोड़ी कॉम्पिटिटिव हो पाएगी और बाकी की कंट्रीज के साथ कम्पीट कर पाएगी, राइट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम एल्युमिनियम इंडस्ट्री की। एल्युमिनियम इंडस्ट्री की बात करें तो एल्युमिनियम इंडस्ट्री में भी सेम ही प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही है जो कि स्टील इंडस्ट्री में थी। ऑल्दो इंडिया एल्युमिनियम का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना एंड थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है आफ्टर चाइना एंड US, बट स्टिल प्रोडक्शन में गैप बहुत ज़्यादा है। इंडिया की प्रोडक्शन कितनी है एल्युमिनियम की, 4.5 मिलियन टन, वहीं पे चाइना की बात करें तो चाइना की है 22 मिलियन टन प्रोडक्शन। तो इसीलिए हमारी जो एल्युमिनियम इंडस्ट्री है उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। अब ग्लोबली हो क्या रहा है, एल्युमिनियम के प्राइसेस एकदम से कम हुए हैं। 2011 से लेकर 2015 के बीच की बात करें तो ग्लोबली जो एल्युमिनियम के प्राइसेस हैं वो 41% कम हुए हैं। तो इसी पीरियड के बीच में हमारी डिमांड बढ़ी है तो इम्पोर्ट्स भी बढ़ेंगे, इम्पोर्ट्स हमारे एकदम से बढ़े हैं। पहले हमारे इम्पोर्ट्स कितने थे, अराउंड 40% तक थे, अब बढ़ के कितने हो गए हैं, 57% तक। तो सेम प्रॉब्लम आ रही है जैसे स्टील इंडस्ट्री में था, तो वैसे ही एल्युमिनियम इंडस्ट्री में हो रहा है। हमारी एल्युमिनियम जो है वो वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही, क्योंकि हमारी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। इसीलिए वर्ल्ड लेवल पे हमारी जब एल्युमिनियम जाती है ग्लोबल मार्केट में तो वहाँ पे भी महंगी बिकती है। महंगी बिकेगी तो कौन ही खरीदेगा, सब लोगों को सस्ती चीज़ें चाहिए ना, तो महंगी चीज़ें कौन खरीदेगा। इसीलिए हमारी एल्युमिनियम भी वर्ल्ड लेवल पे कंपीट नहीं कर पा रही। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी ज़्यादा है इंटरनेशनल प्राइसेस के कंपैरेटिवली। इंडिया में जो एल्युमिनियम की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ रही है, धीरे धीरे वो बढ़ रही है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो ये स्टैटिक है, बाकी की कंट्रीज में स्टैटिक है, बट इंडिया में इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है। इसीलिए हमारी एल्युमिनियम वर्ल्ड लेवल पे कंपीट नहीं कर पा रही। और अगर हम ग्लोबली बात करें तो ग्लोबल लेवल पे हम इसके प्राइसेस को फोरकास्ट भी नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं फोरकास्ट कर पा रहे, क्योंकि जैसे कि बाकी की मेटल की प्राइसेस है साइक्लिकल होती है, वैसे ही इसकी है। तो इसीलिए अब ये क्या है कि अपवर्ड मूव हो रहा है, तो इसी की वजह से हम इसके जो प्राइसेस हैं उनको फोरकास्ट नहीं कर पा रहे। अब हमारे पास एक ही सलूशन होता है, किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कस्टम ड्यूटी को कम कर देते हैं। तो वैसे ही हम एल्युमिनियम इम्पोर्ट पे कर रहे हैं, कस्टम ड्यूटी को कम कर रहे हैं, सो दैट कि हमारी जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो जो वर्ल्ड लेवल पे हमारा जो एल्युमिनियम है वो कम्पीट कर पाए, बट ऐसा होता नहीं है। जैसे कि बाकी सेक्टर में भी ऐसा ही किया है, हमारे पावर सेक्टर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, वहाँ पे भी जो कस्टम ड्यूटी है वो हमने इम्पोर्ट पे रिड्यूस करी हुई है, राइट। तो यही हमारे पास एक सोल्यूशन बचता है। सेम है जैसे स्टील इंडस्ट्री को जैसे जैसे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, सेम चैलेंजेस हमारे एल्युमिनियम इंडस्ट्री को ग्लोबल लेवल पे फेस करने पड़ रहे हैं, राइट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अप्रैल एंड फुटवेयर सेक्टर्स की। अप्रैल का मतलब क्या होता है, क्लोदिंग एंड फुटवेयर सेक्टर। अब अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद की, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद अगर किसी कंट्री ने मेजर इकोनॉमी बनना है तो उसके लिए उसको अपनी इंडस्ट्रियल पावर स्ट्रॉन्ग बनानी होगी, अपनी कंट्री में इंडस्ट्री को सेटअप करना होगा। इंडिया के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ, इंडिया में इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन तो हुआ लेकिन इंडिया का जो इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन था वो बहुत ही ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव था। जितनी ज़्यादा हमने इन्वेस्टमेंट करी है उस हिसाब से हम उतनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट
नहीं कर पा रहे। इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज़्यादा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो वर्किंग एज ग्रुप की पॉपुलेशन है ना वो ज़्यादा है और नॉन वर्किंग की कम है। नॉन वर्किंग में कौन आते हैं, जो बच्चे हो गए या फिर बूढ़े हो गए, तो वो नॉन वर्किंग में आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे वर्किंग एज ग्रुप की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब वर्किंग एज ग्रुप की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करनी होगी। ऐसी जॉब्स क्रिएट करनी है जो कि फॉर्मल हो, प्रोडक्टिव हो और इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कंपैटिबल भी हो। तो ऐसी हमें जॉब्स क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए हमें कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने हैं जो जिससे क्या हो, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ भी हो, हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़े और हमारे यहाँ पे कंट्री में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो। अब ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ दो सेक्टर से पॉसिबल हो सकता है। कौन से ऐसे दो सेक्टर्स हैं, एक तो है क्लोथिंग सेक्टर और दूसरा है फुटवेयर सेक्टर। अब ये दो सेक्टर्स को अगर हम ग्रो कर पा रहे हैं तो उससे क्या होगा, उससे एक तो हमारी जॉब्स जनरेट होगी, दूसरी हमारी इकोनॉमी भी ग्रो होएगी और साथ ही साथ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी होएगा, राइट। अब आगे देखते हैं, ग्रोथ एंड एक्सपोर्ट्स की बात करें तो अगर हम बात करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितनी भी ईस्ट एशियन इकोनॉमीज ग्रो हुई है, जितनी भी सिंगापुर हो गया जैसे इस टाइप की, जितनी भी ईस्ट एशियन इकोनॉमीज ग्रो हुई है, जहाँ पे रैपिड एक्सपेंशन हुई है उनकी इकोनॉमी की, वो क्यों हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ क्लोथिंग एंड फुटवेयर एक्सपोर्ट्स की वजह से हुई है। क्योंकि उन्होंने क्या किया, पोस्ट वॉर के बाद ही, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ही अपने वहाँ क्लोथिंग इंडस्ट्री को एक्सपेंड किया और फुटवेयर इंडस्ट्री को एक्सपेंड किया। उससे क्या हुआ, अब जैसे ही इन इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हुई वैसे ही उनकी इकोनॉमीज की भी ग्रोथ हुई है, राइट। इससे क्या हुआ, उनकी जीडीपी ग्रोथ जो थी ना एकदम से बढ़ी है, 7-10% तक बढ़ी है और साथ ही साथ उनके एक्सपोर्ट्स तो बढ़े ही हैं। अब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तभी तो जीडीपी बढ़ेगी ना। अब देखो उनके एक्सपोर्ट्स कितने बढ़े हैं, जो क्लोथिंग सेक्टर के एक्सपोर्ट्स हैं वो कितने बढ़े हैं, 20% तक बढ़े हैं और किसी कंट्री के, कुछ कंट्रीज ऐसी है वहाँ पे 50% तक भी उनके एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं क्लोथिंग सेक्टर की। वही अगर हम फुटवेयर सेक्टर की बात करें तो फुटवेयर सेक्टर की भी ऑन एन एवरेज 25% से ज़्यादा के एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं उनके, राइट। तो अब इससे क्या होगा, अब इनके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो जीडीपी भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे इंडिया की बात करें तो ईस्ट एशियन इकोनॉमीज के कंपैरेटिवली इंडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है। वहीं इंडिया के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है हमारे कॉम्पिटिटर्स है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। इंडिया अंडर परफॉर्म कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। कौन से सेक्टर में, क्लोथिंग एंड फुटवेयर सेक्टर में, राइट। पर्टिकुलरली लेदर सेक्टर में अगर हम बात करें तो लेदर सेक्टर में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में। अब देखो एक इसमें अच्छी बात यह है, अगर हम क्लोथिंग सेक्टर की बात करें ना तो क्लोथिंग सेक्टर में ज़्यादातर जो जॉब्स है ना वो वुमेन स्पेसिफिक है। क्योंकि क्लोथिंग सेक्टर में क्या होता है, एम्ब्रॉयडरी का काम होता है, स्टिचिंग का काम होता है, ये जो काम है ये ज़्यादातर वुमेन्स करती है। तो यहाँ पे वुमेन्स की जॉब्स का भी स्कोप बढ़ता है। अब वुमेन्स को जॉब मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो उससे क्या होगा, वुमेन एम्पावरमेंट भी बढ़ेगा। क्योंकि जो भी ये क्लोथिंग सेक्टर है या फुटवेयर सेक्टर है, ये क्या है, ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, यहाँ पे लेबर्स की बहुत जरूरत होती है। तो लेबर यहाँ पे ज्यादा चाहिए, लेबर ज्यादा चाहिए तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलेगा। और क्लोथिंग सेक्टर में तो लेबर भी कौन सी होती है, ज्यादातर वुमेन लेबर की जरूरत होती है एम्ब्रॉयडरी वगैरह के लिए, क्योंकि हमारी इंडिया की एम्ब्रॉयडरी काफी फेमस है। तो यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी स्टिचिंग के लिए वुमेन्स की ज्यादा जरूरत होती है। अगर हम लेबर की बात करें बाकी के इंडस्ट्री के कंपैरेटिवली, तो ऑटो इंडस्ट्री के कंपैरेटिवली जो क्लोथिंग सेक्टर है ना, वहां पे 80 टाइम्स ज्यादा लेबर चाहिए होती है। जहां पे ऑटो इंडस्ट्री में एक बंदा अगर काम कर रहा है ना, तो वही क्लोथिंग सेक्टर में 80 बंदे चाहिए एक काम को करने के लिए, राइट। वहीं स्टील इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो स्टील इंडस्ट्री के कंपैरेटिवली 240 टाइम्स ज्यादा जॉब्स है अप्रैल सेक्टर में, क्लोथिंग सेक्टर में, राइट। तो वही अगर हम आगे लेदर इंडस्ट्री की बात करें तो लेदर इंडस्ट्री में भी स्कोप ज्यादा है। लेदर इंडस्ट्री में ऑटो इंडस्ट्री के कंपैरेटिवली 33 टाइम्स ज्यादा लेबर चाहिए और स्टील इंडस्ट्री के कंपैरेटिवली 100 टाइम्स ज्यादा लेबर चाहिए,
लेदर इंडस्ट्री में भी। तो एक बात तो यहां से क्लियर हो रही है कि ये जो क्लोथिंग और लेबर इंडस्ट्री है ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, यहाँ पे लेबर ज्यादा चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो इसीलिए हमें अपने क्लोथिंग सेक्टर को बढ़ाना है और फुटवेयर सेक्टर को भी आगे लेकर आना है। वर्ल्ड बैंक की एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी कंट्री में रैपिड ग्रोथ हो रही है क्लोथिंग सेक्टर की और फुटवेयर सेक्टर की, तो वहां पे हर साल डायरेक्टली 5 लाख एडिशनल जॉब्स भी जनरेट होती है इन दो सेक्टर्स में से ही, राइट। अगर वहां पे अच्छी खासी ग्रो कर रही है इंडस्ट्रीज तो वहां पे तो बहुत होती है 5 लाख जॉब्स भी, हर साल 5 लाख एडिशनल जॉब्स वहां पे क्रिएट हो रही है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है वुमेन्स को आगे लाने की, क्योंकि क्लोथिंग सेक्टर के थ्रू फुटवेयर सेक्टर के थ्रू हम वुमेन्स को भी आगे ला सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट कर सकते हैं। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में क्लोथिंग सेक्टर की वजह से फीमेल एजुकेशन बढ़ी है, टोटल फर्टिलिटी रेट वहाँ पे बढ़ा है, वुमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी बढ़ी है। तो इससे क्या है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है बांग्लादेश में, ये क्लोथिंग सेक्टर की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि क्लोथिंग सेक्टर में वीमेन्स की जरूरत है और वहां पे वीमेन ज्यादा से ज्यादा काम कर रही है। वीमेन काम करेगी तो उससे ऑटोमेटिकली फीमेल एजुकेशन भी बढ़ेगी, फर्टिलिटी रेट भी बढ़ेगा और लेबर फोर्स, वीमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी ज्यादा होगी, राइट। अब इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी। अब अपॉर्चुनिटी हमें कैसे मिल रही है, अब इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है अपने क्लोथिंग सेक्टर और फुटवेयर सेक्टर के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की। अपॉर्चुनिटी कैसे आई, क्योंकि जो चाइना के मार्केट शेयर्स है ना इन सेक्टर्स में, क्लोथिंग एंड फुटवेयर सेक्टर में जो चाइना के मार्केट शेयर्स है वो या तो गिर रहे हैं या फिर स्टेबलाइज है, या तो वहीं पर खड़े हैं या फिर वो कम हो रहे हैं चाइना के जो शेयर्स है क्लोथिंग एंड फुटवेयर सेक्टर से। अब देखो चाइना से सप्लाई जा रही है, अब इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड तो उतनी ही रहेगी ना, कपड़े की डिमांड हो या जूतों की डिमांड हो, डिमांड तो उतनी ही रहेगी। अब चाइना की तरफ से जब सप्लाई कम जाएगी तो वहां पे क्या होगा, वहां पे एक स्पेस बन जाएगी, क्योंकि वहां पे अब जहां पहले चाइना 10 पीस भेज रहा था तो वहीं पे चाइना से कितने आ रहे हैं, अब 5 आ रहे हैं, तो यहां से 5 की स्पेस यहां पे खाली होगी। तो ये जो 5 पीस कम यहां से चाइना से आ रहे हैं तो ये हम इंडिया से भी तो भेज सकते हैं ना, इंडिया से भेजेंगे तो इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब एक कंट्री में से सप्लाई कम हो रही है तो दूसरी कंट्री अगर सप्लाई बढ़ाएगा तो उससे क्या होगा, उस कंट्री को एक तरह की अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की। लेकिन हो क्या रहा है, इसकी जगह ले रहे हैं बांग्लादेश हो गया, वियतनाम हो गया, तो ये क्या है, ये अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं स्पेशली क्लोथिंग सेक्टर में और फुटवेयर सेक्टर में। इंडिया की भी अगर हम बात करें तो इंडिया भी एट प्रेजेंट अपने क्लोथिंग और फुटवेयर फॉर्म्स जो है वो बांग्लादेश, वियतनाम, म्यांमार और इथोपिया जैसी कंट्रीज में रिलोकेट कर रहा है, सो दैट कि हम अपनी अपॉर्चुनिटी को, हमारे एक्सपोर्ट्स को थोड़ा बहुत बढ़ाएं, हम भी इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा सा कम्पीट कर पाए, राइट। लेकिन अब ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज है, जहाँ पे हमें बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे हैं क्लोथिंग सेक्टर में भी और फुटवेयर सेक्टर में भी। कौन कौन से चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम आती है हमारे यहाँ पे लॉजिस्टिक्स की। लॉजिस्टिक्स की क्या प्रॉब्लम है, अब देखो एक तो जगह पे गुड्स तैयार हो रही है, यहां से गुड्स तैयार हो रही है तो इसको हमने पहुंचाना है इनकी फाइनल डेस्टिनेशन तक, कंज्यूमर तक लगा लो या फाइनल इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाना है। अब ये गुड्स को जहां फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए क्या लगेगी, एक तो कॉस्ट लगेगी और दूसरा टाइम भी जाएगा, राइट। अब हमारे इंडिया में क्या है, कॉस्ट भी हाई है और टाइम भी हम ज़्यादा ले रहे हैं हमारी जो फाइनल गुड्स है उसको फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में, हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा जा रही है और टाइम भी ज़्यादा जा रहा है, तो लॉजिस्टिक्स में हमारी ये प्रॉब्लम है। अब सेकंड प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे लेबर रेगुलेशन की प्रॉब्लम है। लेबर रेगुलेशन की क्या प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ इंडिया में लेबर का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, एडवांटेजेस भी है हमारे लिए क्योंकि हमारे यहाँ पे चीपर लेबर भी मिल जाती है और लेबर है भी बहुत ज़्यादा क्योंकि वर्किंग एज ग्रुप की पॉपुलेशन हमारे इंडिया में बहुत है, तो अबंडेंट लेबर है। बट यहाँ पे अगर हम बाकी के फैक्टर्स देखें ना तो उन फैक्टर्स के सामने ये जो लेबर वाला फैक्टर है ना वो कुछ भी नहीं है, वो जीरो के बराबर हो जाता है। क्यों हो जाता है, अब लेबर कॉस्ट की बात करें तो लेबर कॉस्ट कम पड़ती है इंडिया में तो वो इंडिया के लिए एडवांटेजियस है,
राइट, तो अच्छी बात भी है। बट इसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। कैसी प्रॉब्लम्स आ रही है? जैसे कि रेगुलेशंस ऑन मिनिमम ओवरटाइम पे कोई रेगुलेशंस नहीं है। जो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 आया था उसके हिसाब से क्या था कि अगर कोई पर्सन ओवरटाइम काम कर रहा है तो ओवरटाइम की जो वेजेस होगी ना वो ऑर्डिनरी रेट से डबल होगी, राइट। तो इस पे कोई रेगुलेशंस अब है नहीं है। दूसरा क्या है, जो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं तो उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इतनी ज्यादा, तो लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है पार्ट टाइम वर्क में भी। और अगर हम बात करें अब जो लेबर को सैलरीज दी जाती है, ठीक है, लेबर को जो सैलरी दी जाती है उनको जो इन हैंड सैलरी मिलती है वो कम होती है, जो कंपनी की तरफ से या इंडस्ट्री की तरफ से या किसी भी फर्म की तरफ से ऑफर करी जाती है वो सैलरी और होती है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं भी कोई लेबर है, कोई पर्सन है, वो कहीं किसी फर्म में क्लोथिंग सेक्टर में या फुटवेयर सेक्टर में काम कर रहा है, तो सपोज उसको सैलरी का ऑफर दिया गया है 100 रुपीज, बट उसके हाथ में कितने पैसे आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 55 रुपीज ही आ रहे हैं। तो ऑफर 100 का मिल रहा है बट इन हैंड सैलरी उसको बहुत कम मिल रही है। क्यों कम मिल रही है? क्योंकि उसमें से बहुत सारे फंड्स वगैरह कट जाते हैं, जैसे कि प्रोविडेंट फंड के कुछ पैसे काट लेंगे, इम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के पैसे काट लेंगे, लेबर वेलफेयर फंड के पैसे काट लेंगे, और इंश्योरेंस स्कीम्स 2-3 लगा देते हैं, तो इन स्कीम्स के थ्रू उसके पैसे काट लिए जाते हैं। इन हैंड सैलरी उसको बहुत ही कम मिलती है जितनी एक्चुअल में दिखाई जाती है, राइट। फिर नेक्स्ट हम इंडिया की बात करें, इंडिया का जो क्लोथिंग एंड लेदर फॉर्म्स है, साइज की यहाँ पे दिक्कत आ रही है। साइज की क्या दिक्कत आ रही है कि इंडिया की जो क्लोथिंग एंड लेदर फॉर्म्स है वो बहुत ही छोटी है एज कंपेयर टू चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, वियतनाम हो गया। अब साइज छोटा क्यों है? इंडिया की 78% ऐसी फर्म्स है जहां पे 50 से भी कम वर्कर्स काम कर रहे हैं। अब 50 से कम वर्कर्स है तो फर्म्स तो बहुत छोटी होगी ना, तभी इतने कम वर्कर्स वहां पे काम कर रहे हैं। तो वर्कर्स कम है, फर्म्स का साइज स्मॉल है, तो उससे क्या है, उससे आउटपुट भी कितनी आएगी, आउटपुट भी तो कम ही आएगी ना। और 10% हमारी ऐसी फर्म्स है जहां पे 500 से ज्यादा एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं। तो हमारे पास जो बिगर फॉर्म्स है वो कम है और स्मॉलर फॉर्म्स ज्यादा है। वहीं अगर हम चाइना की बात करें, चाइना के साथ इंडिया को कंपेयर करें, तो चाइना में 15% फॉर्म्स ऐसी है जहां पे 50 से कम वर्कर्स है और 28% फॉर्म्स ऐसी है जहां पे 500 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो चाइना में स्मॉलर फॉर्म्स कम है और बिगर फॉर्म्स ज्यादा है, वहीं इंडिया में उल्टा हो रहा है। इंडिया में स्मॉलर फॉर्म्स ज्यादा है, बिगर फॉर्म्स बहुत ही कम है। फिर नेक्स्ट हमें कौन सा चैलेंज फेस करना पड़ रहा है? टैक्स का चैलेंज। अब टैक्स का कैसे है? अब बहुत सारी इंडिया में चीजें ऐसी है जिसमें टैक्स बहुत ज्यादा लगाया जाता है, टैक्स भर भर के इंडिया के प्रोडक्ट्स पे लगाया जाता है, जिसने इंडिया की कमर तोड़ रखी है। अब टैक्स की क्या दिक्कत आ रही है? क्लोथिंग सेक्टर की बात करें, क्लोथिंग सेक्टर में क्या होता है, एक तो होते हैं मैनमेड फाइबर्स, एक होते हैं कॉटन बेस्ड एक्सपोर्ट्स। अब यहाँ पे टैक्स लग रहा है सबसे ज्यादा मैनमेड फाइबर्स पे, और मैनमेड फाइबर्स की इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड भी ज्यादा है। अब मैनमेड फाइबर्स की डिमांड भी ज्यादा है, टैक्स भी इस पे ज्यादा लग रहा है, तो इससे क्या है, इंडिया के एक्सपोर्ट जो है वो कॉम्पिटिटिव नहीं बन पा रहे, हमारी चीजें इंटरनेशनल मार्केट में महंगी बिकती है। वहीं कॉटन बेस्ड एक्सपोर्ट, इन पे टैक्स कम है लेकिन इनकी डिमांड भी कम है। फिर लेदर सेक्टर की बात करें, तो फुटवेयर सेक्टर में, लेदर सेक्टर में एक तो लेदर की चीजें होती है, एक होते हैं नॉन लेदर फुटवेयर्स। अब यहां पे इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है नॉन लेदर फुटवेयर्स की, और नॉन लेदर फुटवेयर्स पे यहां पे टैक्स ज्यादा लग रहा है एज कंपेयर टू लेदर फुटवेयर्स। तो जिस चीज की डिमांड ज्यादा है उस चीज पे यहां पे टैक्स भी ज्यादा लग रहा है। यही हमें हमारी दिक्कत आ रही है, क्योंकि बाकी की कंट्रीज हमारे भी तो यहाँ पर टैक्स लगा रही है ना हमारी चीजों पे, तो हमारी चीजों पे टैक्स ज्यादा लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट जो है वो कॉम्पिटिटिव नहीं कर पा रहे। बाकी क्या है, जो एक्सपोर्ट मार्केट है इसमें हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है। डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो रहा है? जो क्लोथिंग सेक्टर में हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं या लेदर सेक्टर में या फुटवेयर सेक्टर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स
से कम टैक्स लिया जा रहा है या फिर जीरो टैक्स लिया जा रहा है, ड्यूटी फ्री उनके प्रोडक्ट्स जाते हैं उनकी मार्केट्स में, जैसे यूएसए हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन से हो गए, बांग्लादेश हो गया, वियतनाम हो गया, तो इन कंट्रीज से ये बहुत ही कम टैक्स चार्ज करते हैं या फिर कुछ केसेस में इनसे टैक्स लिया ही नहीं जाता, यूएसए, यूरोपियन यूनियन जैसी जो कंट्रीज है। तो इंडिया से ये भी टैक्स भर भर के ले रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इंडिया के साथ डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है। बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स जब यूरोपियन यूनियन में एंटर करते हैं, बांग्लादेश की जो चीज़ें हैं, क्लोथिंग हो गया या फुटवेयर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वो जब यूरोपियन यूनियन में एंटर करते हैं तो वो मोस्टली ड्यूटी फ्री होते हैं, उन पे कोई ज़्यादा टैक्स नहीं लगाया जाता। ड्यूटी फ्री मतलब जीरो टैक्स लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश लेस डेवलप्ड कंट्री है, इसीलिए इसके जो एक्सपोर्ट्स है यूरोपियन यूनियन के साथ वो ड्यूटी फ्री है। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के जब कपड़ा जाता है यूरोपियन यूनियन में तो यूरोपियन यूनियन इंडिया के क्लोथ पे 9.1% का टैक्स लगाता है। तो अब यहीं पे आ गया डिस्क्रिमिनेशन। तो बांग्लादेश हमारा कॉम्पिटिटर है तो बांग्लादेश से जीरो टैक्स लिया जा रहा है और इंडिया से 9.1% का टैक्स चार्ज किया जा रहा है, तो यहाँ पे दिक्कत आ रही है। वियतनाम की बात करें तो वियतनाम और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रखा है, तो यहाँ पे भी फ्री ट्रेड हो रहा है इन दोनों कंट्रीज के बीच में, जीरो टैक्स लग रहा है, लेकिन इंडिया को यहाँ पे भी टैक्स देना पड़ रहा है, 9.1% का टैक्स देना पड़ रहा है इंडिया को, यूरोपियन यूनियन को। फिर यूएसए की बात करें, यूएसए और इंडिया, जो यूएसए इंडिया पे टैक्स लगाता है, कितना लगाता है, 11.4% का यूएसए इंडिया पे, जो इंडिया से जितने भी क्लॉथ्स वगैरह यूएसए में जाते हैं तो उस पे 11.1% का टैरिफ चार्ज करता है। वहीं हम अपने कॉम्पिटिटर इथोपिया की बात करें, इथोपिया कहाँ पे है, ये अफ्रीका की कंट्री है, तो इथोपिया की बात करें, इथोपिया एक नया कॉम्पिटिटर है हमारा क्लोथिंग सेक्टर में भी और लेदर सेक्टर में भी या फुटवेयर सेक्टर में भी। तो अब इथोपिया जो है, इथोपिया, यूरोपियन यूनियन, यूएस एंड कनाडा, इन तीन जगह पे, यूरोपियन यूनियन में यूरोपिया की कंट्रीज आ गई, यूरोप की कंट्रीज आ गई, यूएसए हो गया एंड कनाडा हो गया। अब इन तीनों जगह पे इथोपिया के जितने भी प्रोडक्ट्स जाते हैं, क्लोथिंग के हो या फुटवेयर के हो, वो जीरो टैक्स पे जाते हैं, उन पे कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करा जा रहा। वहीं पे इंडिया से 11.4% का टैक्स चार्ज करता है यूएसए। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है टैक्स के बेसिस पे। अब देखो, इंडिया को टैक्स देना पड़ रहा है तो उससे क्या है, इंडिया की चीज़ें इंटरनेशनल मार्केट में महंगी बिक रही है, दाम ज़्यादा है, और इंटरनेशनल मार्केट में वही चीज़ें प्रेफर करी जाएगी जिसकी कॉस्ट कम है। तो यहाँ पे हमारे साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसिफिक चैलेंजेस इन लेदर एंड फुटवेयर सेक्टर्स की। अब देखो, सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है हमारे सामने, यही चैलेंजेस नहीं आ रहे टैक्स वगैरह की, इसके अलावा और भी हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। जैसे कि अगर हम लेदर की बात करें तो लेदर कहाँ से आता है, लेदर कैटल से आता है, बफलो, गोट, शीप या और बाकी के एनिमल्स हो गए छोटे मोटे, तो वहाँ से क्या हमें लेदर मिलता है। और सबसे जो अच्छी क्वालिटी का लेदर होता है, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में, वो क्या है, कैटल हाइट्स। क्यों? क्योंकि जो कैटल हाइट्स है उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा है और क्वालिटी भी अच्छी है, तो इसीलिए कैटल हाइट्स की डिमांड ज्यादा है। अब यहां पे एक तरफ से तो इंडिया एडवांटेजियस पोजीशन में है, इंडिया में जो कैटल पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, इंडिया की कैटल पॉपुलेशन तो ज्यादा है, बट दिक्कत यहां पे क्या आ रही है, कैटल पॉपुलेशन के ज्यादा होते हुए भी हमारे जो कैटल हाइट्स का एक्सपोर्ट है ना, वो बहुत ही कम है। कैटल पॉपुलेशन तो ज्यादा है लेकिन जो कैटल हाइट्स का एक्सपोर्ट है वो बहुत कम है। क्यों कम है? यहाँ पे फिर आ जाता है हमारा रिलीजियस फैक्टर। रिलीजियस फैक्टर क्या आ जाता है कि जो गऊ है उसको हम माता मानते हैं, हम उसको पूजा करते हैं, तो स्लॉटर ऑफ काउस ये क्या है, हमारे यहाँ पे बैन है, हम गाय को मार नहीं सकते हैं, ये लीगली भी पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि फिर दंगे फसाद हो जाते हैं अगर हम ज्यादा से ज्यादा गाय को मारेंगे तो। अब स्लॉटर ऑफ काउस जो है यहाँ पे बैन है, तो इसीलिए अब जो कैटल हाइट्स है वो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है क्योंकि हम गाय को मार नहीं सकते। तो ये भी हमारे सामने दिक्कत आ रही है कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज तो है लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज की अंडर यूटिलाइजेशन हो रही है यहाँ पे। तो इसके लिए अब क्या करना होगा, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को कुछ मेजर्स लेने होंगे, जैसे कि बहुत सारे सेक्टर्स में रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, जैसे लेबर लॉज में
चेंजेस करने की जरूरत है, टैक्स रैशनलाइजेशन की जरूरत है, बाकी की जो कंट्रीज है जहाँ पे हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं उन कंट्रीज के साथ हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की ज़रूरत है, नए एग्रीमेंट्स लाने की ज़रूरत है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।